रुका लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बठिंडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, लॉरेंस की तबीयत बिगड़ने की खबर मिल रही है। बठिंडा जेल में से अब लॉरेंस को अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है, जेल से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फरीदकोट के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लॉरेंस के पेट में इन्फेक्शन होने की बात सामने आ रही है। वकील की ओर से ये बयान सामने आया, वकील ने बताया है कि लॉरेंस के पेट में इन्फेक्शन है जिसकी वजह से लॉरेंस को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शंकर सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, बड़ी खबर इस वक्त की, लॉरेंस को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, क्या हुआ है, कुछ पता चल सका है? देखिए, कल देर रात में जो पंजाब स्थित जो गुरु गोविंद सिंह मेडिकल अस्पताल है वहां पर लॉरेंस बिश्नोई को भर्ती कराया गया और उसके लगातार लॉरेंस बिश्नोई का कहना था उसके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए इस वजह को ध्यान में रखते हुए जेल प्रशासन के द्वारा उसे गुरु गोविंद सिंह मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराने के बाद इस मामले में आगे की जो तफ्तीश जो है वो डॉक्टर्स जो है बकायदा वो कर रहे हैं। हालांकि जो डॉक्टरों का कहना है कि इस मामले में जो शुरुआती तौर पे कुछ इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है, लेकिन इस मामले में जिस तरह से रखा था डॉक्टरों के साथ साथ जो जो पुलिस की जो टीम है लगातार वो भी वहां पर लॉरेंस बिश्नोई के आसपास में वहां पे मौजूद है। जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया उस हॉस्पिटल के बाहर में काफी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है और खासतौर पर जो फरीदकोट की जो स्थानीय पुलिस है उसके साथ साथ जो सेंट्रल लेवल के जो पुलिस अधिकारी हैं बकायदा वो भी मौके पे मौजूद है। और जिस तरह से बकायदा लॉरेंस बिश्नोई का पिछले कुछ दिनों से एक और भी प्रॉब्लम आ रहा था कि उसे लगातार बुखार आ रहा था और बुखार जो है उसका उतर नहीं रहा था, जिसके चलते लगातार वो जेल प्रशासन के सामने अपनी बातों को रख रहा था, कह रहा था कि उसका बुखार उतर नहीं रहा है, उसे अस्पताल में लेके जाने की जरूरत है। लिहाजा इस तमाम मामलों को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में उसे शिफ्ट किया गया है, लेकिन अस्पताल में शिफ्ट करने के साथ साथ लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहद दुरुस्त की गई है, चाहे अस्पताल के अंदर की बात करें या अस्पताल के बाहर, क्योंकि जिस जिस कमरे में लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया है उस कमरे में डॉक्टर के अलावा और किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई है। एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक बड़ा कद का एक गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई और हो सकता है कि अस्पताल से ही अस्पताल में भी उसके साथ में कहीं कोई दूसरे गैंग वाले कहीं हमला ना कर दें या और वहां से लॉरेंस बिश्नोई भाग ना जाए, इन तमाम मसलों को ध्यान में रखते हुए काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में शंकर, क्योंकि प्रख्यात गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सुरक्षा को लेकर वहां पर बंदोबस्त किए जाएं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।